पप्पा यार बाल तू बनाने दो यार। अबे तू क्या डेट पे जा रहा है, चल दफा हो यहाँ से, चल निकल। ये दिन तो बहुत सुहाना था मगर इसकी हकीकत कुछ और थी। बात है ये एक हफ्ता पहले की, मगर उससे पहले मेक श्योर कि आपने सब्सक्राइब कर रखा है। सबसे पहले ये तेरा रिजल्ट कार्ड, सी ग्रेड आया है। नहीं पप्पा सही से देखो, सी ही है, सी प्लस है पप्पा। तेरे शीत के लड़के को देख, सेकंड पोजीशन आया है, सेकंड पोजीशन। पप्पा उसके गिलास में दो बच्चे ही तो हैं। उसकी बेटी को देख ले। पप्पा मुझे आपकी पसंद पसंद है। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब। आज तू मुझे सही से बता दे, तू करना क्या चाहता है। पप्पा मैं स्ट्रगल करना चाहता हूँ। ये क्या होती है पप्पा, जितने भी बड़े लोग हैं ना, बिल गेट्स, मार्क जिंगरबर्गर, अमिताभ बच्चन, ताहिर शाह, इन सब ने यही तो किया है पप्पा। लेकिन सही से करियो। पप्पा बेफिक्र हो जाओ, बचपन से यही किया है, मास्टर हूँ मास्टर। अच्छा चल अभी डरा मत। लेकिन पप्पा 50,000 रुपए चाहिए होंगे इसके लिए। 50,000? मेरे पास तो 500 भी नहीं है, कहाँ से लाऊंगा इतने सारे पैसे। देखता हूँ मैं रात तक जवाब देता हूँ, ठीक है। मेरे सपने अपने समझ कर पूरा उनको करते हो, उन सपनों की कीमत क्या क्या सह के अदा करते हो। पापा खुद सब सहते हो, हमसे नहीं कुछ कहते हो। रात 10:30 बजे रात पानी के लिए परेशान, सर में दर्द। 50,000 तो नहीं हो सके, 25,000 ही मिले। चलो वो तो दो, गुजारा तो करें पप्पा। आधी फीस बाद में जमा करा देना। हाँ हाँ लाओ दे दो। हैप्पी बर्थडे जानू। थैंक यू, आपको याद था मेरा बर्थडे। जानू मैं अपने बाप को भूल सकता हूँ पर आपको नहीं। बहुत अच्छा, शाम में आ रहा हूँ सारे गिफ्ट लेकर, लेकिन इस बारी ना नीचे खड़ा नहीं होऊंगा यार। पिछली बारी ना फ्लैट्स में से किसी ने मेरी गुद्दी पर थूक दिया था यार। जब मैं मिस कॉल है तब आना। ठीक है ठीक है। ओम बंद पे पटाओ, देखो बन गया कुत्ता, बांध सका पट्टा, देखो बन गया कुत्ता। वैसे तो उस रात मुझे नींद ही नहीं आई क्योंकि आज एक महीने बाद तो मैं ये भूल ही गया कि एक महीने पहले हुआ क्या था, लेकिन मेरे अब्बा जी भी भूल गए, ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। उजैर, उजैर, बेटा उठ, तेरे कॉलेज कब से स्टार्ट होंगे। कौन से कॉलेज? वही जिसकी 25,000 रुपए फीस जमा कराई थी वो। हाँ भाई वो तो जब मैं जा रहा था ना रोड पे से फीस जमा कराने, बीच में रास्ता आ गया पप्पा, दो काले 70 पे बिना नंबर की गाड़ी पे ऐसे ऐसे आ गए मेरे सामने। मुझे बोला जो भी है सब निकाल दे। मैं डरा नहीं, मैंने बोला अबे पिस्तौल तो दिखाओ, सब सामान छीन के ले गया पप्पा। मैं तो तेरा मोबाइल क्यों नहीं लेकर गए, इसका तो चार्जर नहीं ना उनके पास। अपने बाप को मामू मत बना। मैंने तुझे पढ़ने के लिए पैसे दिए थे, अय्याशियों के लिए नहीं दिए थे। खुद नौकरी करेगा ना तो तेरे को पता चलेगा।
मैं और नौकरी। सही कह रहा है, तेरे को रखेगा भी कौन नौकरी पे। पापा बड़ा बिजनेस करूंगा, स्क्रेप का काम करूंगा, बड़ी कमाई है उसमें। सुई से लेके जहाज सब सामान आता है, तुम्हें तो पता ही नहीं है। शेरशाह गए हो कभी? ओ बड़े बिजनेसमैन, चल खड़ा हो, पहले मेरे पैसे ला करके दे, पैसे होना तभी आना घर पे। चल चल। पूरे घर में मेरा राज चलता है, कोई मुझे छू तो क्या कुछ कह भी नहीं सकता। मैं होंडा हूँ अपने घर का होंडा। पप्पा यार बाल तू बनाने दो यार। अबे तू क्या डेट पे जा रहा है, पैसे कमाने जा रहा है पैसे? चल दफा हो यहाँ से, चल निकल। एक काम करता हूँ कि कुछ पैसे ना अभी दोस्तों से लेकर अब्बू को दे देता हूँ। कहाँ पर हो यार? भाई मैं शेरोज के घर पे हूँ। मैं रास्ते में ही हूँ, यहाँ पर आ जाओ। ठीक है मैं आ रहा हूँ। ओके। अस्सलाम वालेकुम। 50 रुपए का सवाल है बेटा। पूछो शायद मुझे आता हो। क्या 50 रुपए का सवाल? अरे मेरा मतलब है कि यार किसी गरीब फकीर की मदद कर दो। तुम बोलो ना। बेटा तेरे हालात तो मुझसे ज्यादा खराब है, इन्हें के बगड़। अबे बाल तो बना लेता यार। हाँ बनाऊंगा अभी। आज कोई निरागिरी आया यार, 150 मिल जाते ना, डेट पे चला जाता। वाह भाई, भिखारी ने भी गर्लफ्रेंड बनाई हुई है। नहीं बेटा नहीं, गर्लफ्रेंड ने भिखारी बना दिया। बाबा मेरे पास पैसे तो नहीं है, पर मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। ये घड़ी लो, इसको बेचकर पैसे ले लेना। लग तो लोकल ही रही है यार वैसे। बेटा तू अच्छा इंसान लगता है, मेरे पास तेरे लिए कुछ है। रुक। बाबा मैं इसका क्या करूँगा? इसको लॉज में तू लोगों के मन की बात सुन सकता है। अबे बाबा। वापिस दे, चल वापिस दे। दुआओं में याद रखना। बेड़ा ही पार है, झूले लाल है, हक हूँ। हक हूँ बाबा, हक हूँ बाबा, हक। क्या बात है, क्या बात है। ए, तुम दोनों इतने खुश क्यों हो? भाई तू गैस कर यार। बैग गंदे। तू होगा गंदा। चल असल बात बता। भाई इसकी सरकारी नौकरी लगी है। सरकारी में ऐसे ही होते हैं। अब तो खुश है भाई? इसने नौकरी का सुन के ऐसा याहू बोला, इसकी आवाज ही छू हो गई। ओह नो। चल खैर है, लेकिन भाई देख अपन से तो नौकरी होगी नहीं। मैं तो बिजनेस करने का सोच रहा हूँ। ऐसी माचिस बनाऊंगा, एक दफा जला दो बस, सारी जिंदगी जलती रहेगी। अबे ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे दादा ने तो एक दफा ऐसा लट्टू बना दिया था। oh, no. आज तक घूम रहा है। तो कहाँ है वो? अबे यही तो कह रहा हूँ कि घूम रहा है, कहीं घूम गया, मिल ही नहीं रहा। अरे इन बातों में कुछ नहीं रखा, ये बता ट्रीट कब देगा? यार आज मैं सोच रहा हूँ अपन बाहर चलते हैं कहीं खाने पे। हेलो जानू। हाँ हाँ मुझे याद है। चलो भाई जब तक वो आए, जब तक थोड़े आइटम सॉन्ग ही सुन लेते हैं। सुन, तू अभी कहाँ जाएगा? यार वो बाबा तो बिल्कुल सही कह रहा था। इसको लगा के तू लोगों के मन की बात सुन सकता है।
इसको लगा के तो मैं लोगों के मन की बात सुन रहा हूँ। हाँ भाई, फिर क्या सोचा? क्या सोचूं? चलने का क्या मूड है? नहीं है, पैसे तो होते ही नहीं इसके पास, समय देने पड़ेंगे। दे यार, ये मना कर दे यार, वरना पैसे हमें ही देने पड़ेंगे। मना कर दे, अल्लाह करे यार। क्या प्रोग्राम है मेरा? रात में आना थोड़ा मुश्किल होगा, सॉरी यार। शुक्र है भाई, इसने तो मरवा ही दिया था। शुक्र है यार, अल्लाह टली। अच्छा यार, अब मैं चलता हूँ, मुझे ना घर पर सामान लेकर देना है, सॉरी। बे अच्छा बात तो सुन, तेरा अब्बू की तबीयत कैसी है? क्यों, उनको क्या हुआ? हाँ वो तो अब ठीक है। चल ठीक है, फिर बताइए। ठीक है, ओके। हेलो जी, तुम मुझे एक बात बताओ। तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? ये भी कोई पूछने की बात है? बहुत ज्यादा है। सच कहो। काहे का प्यार, जब तक खर्चा चल रहा है, टाइम पास हो रहा है, तब तक सही है सब। जिंदगी बेवफा है ये माना, मगर छोड़ कर राह में जाओगे तुम मगर। अब्बू, मुझसे गुस्सा हो क्या? क्योंकि तू निकम्मा है, नालायक है और नकारा है। वो सब तो मैं हूँ, पर आप मुझे एक बात बताओ, कल रात को आप कहाँ थे? कल रात को मैं अपने दोस्त के पास गया था। सच्ची बताओ, कहीं इसको किसी ने बता तो नहीं दिया? मैंने खून बेचकर इसको पढ़ाई के लिए पैसे दिए हैं। मेरे सपने अपने समझ कर पूरा उनको। बेटा 50,000 तो नहीं हो सके, 25,000 ही मिले। उन सपनों की कीमत क्या क्या सह के अदा करते हो पापा, खुद सब सहते हो, हमसे कुछ नहीं कहते हो पापा, खुद सब सहते हो, हमसे नहीं कुछ कहते हो।